हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं फॉन्ट को सर्च करना। अगर आप इस तरीके से जेपीजी इमेज पे काम कर रहे हैं और आप इस तरह से ही लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें ऑनेस्ट लिखता हूं, और ऑनेस्ट लिखने के बाद मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये फॉन्ट कौन सा है जो इसमें अप्लाई किया हुआ है, और मैं फॉन्ट में जा के इस तरीके से सर्च करते रहता हूँ और मुझे मिलता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सा फॉन्ट है, मुझे पता ही नहीं है। तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में अगर बहुत सारे फॉन्ट इंस्टॉल करके रखते हैं तो आपको इस तरीके से सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और आपके पास वो फॉन्ट इंस्टॉल तो है लेकिन आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस वाले ऑप्शन पर ना जाके यहाँ पास आप एक सिलेक्शन बनाएंगे इस फॉन्ट के ऊपर। इस तरीके से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये वाले लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं अपने इस लेयर के ऊपर सिलेक्शन बना लिया हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है जो कि जेपीजी में है, इसके ऊपर मैं एक सिलेक्शन बनाऊँगा। सिलेक्शन बनाने के बाद जो नए फोटोशॉप हैं, पुराने फोटोशॉप की बात नहीं करता हूँ, जो नए फोटोशॉप हैं, इन फोटोशॉप में आपके पास एक ऑप्शन आ गया है जो कि है टाइप मीनू। टाइप मीनू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैच फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। मैच फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, आपने सिलेक्शन बना रखा था इसलिए ये ऑटोमेटिक तरीके से आपको वो फॉन्ट से मिलता जुलता, आपके पास कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे फॉन्ट आपके पास लाके प्रेजेंट कर देगा, और आप उनमें से चूज कर पाएंगे कि कौन सा फॉन्ट आपको अप्लाई करना है उसमें। तो इनमें यहाँ पे नाम दिया हुआ है इनका, ये कोकला बोल्ट इस तरीके से, ये सोनार बांग्ला बोल्ट, इस तरीके से आप इन फॉन्ट्स को अप्लाई करके देख सकते हैं, और ये फॉन्ट हो सकता है आपके इससे मिलता जुलता होगा। तो आइए देखते हैं, ये मैं कोकला बोल्ड पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा था उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करता हूँ और इस जगह पर लिखता हूँ कोकला, इस जगह पे मैं लिखता हूँ कोकला बोल्ड, और ये देखिए ये वाला फॉन्ट इसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता मिल गया है मुझे, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये शायद वही फॉन्ट है, ये देखिए सेम टू सेम लग रहा है। स्पेस की प्रॉब्लम है, स्पेस का भी मैं फिल कर देता हूँ, ये देखिए ये वही फॉन्ट है। तो इस तरह से आप अपने फॉन्ट को सर्च कर सकते हैं, वो फॉन्ट किसी भी प्रकार से हो। अगर मैं इस फॉन्ट को भी सर्च करता हूँ, तो इसको भी मैं सर्च करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला फॉन्ट है, इसको मैं टाइप में जाऊँगा, टाइप में जाने के बाद मैच फॉन्ट, और यहाँ से ये मैच करके बता देगा कि हमारा जो ये फॉन्ट है ये किससे मिलता जुलता है, इसके जैसा हमारे पास कोई दूसरा फॉन्ट है अवेलेबल या नहीं है हमारे कंप्यूटर पे। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर क्लाउड भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो ये क्लाउड से भी फॉन्ट को निकाल के दिखा देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिलते जुलते इसके साथ फॉन्ट हैं, इनमें से आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉन्ट जैसे कि अच्छा लग रहा है इसके साथ में, इसका मैं नेम देखूँगा और इसी को सर्च करके और इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका ये टेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।